देख रहे हैं हिंद 24 टीवी खबर पल पल की। ओवरलोड गिट्टी बालू की गाड़ियां रात भर फर्राटे भरती हैं। जिला प्रशासन और आरटीओ गहरी नींद में। दो ट्रक के भिड़ंत के बाद बालू लदी ओवरलोड ट्रक घर से टकराई, जिसमें घर हुआ जर्जर, बाल बाल बचा परिवार। प्रयागराज थाना 12 के अंतर्गत कालिका के पूरा के सामने लगभग 4 बजे एक ट्रक खाली और एक ट्रक ओवरलोड लदी बालू आपस में जा टकराई। प्रशासन की मिलीभगत से चल रही है ओवरलोड गिट्टी बालू की गाड़ियां। अगर बात की जाए ओवरलोड की, तो शंकरगढ़ से लेकर फूलपुर तक ओवरलोड गाड़ी पास कराने का एक गैंग है, जो कि पुलिस की मिलीभगत से रात भर बड़ा खेल खेला जाता है। सबसे ज्यादा ओवरलोड गाड़ी पास कराने का खेल धूरपुर थाने में खेला जाता है। ऐसे ही ओवरलोड गाड़ियों से कई बार बड़ी घटना हो चुकी है और ऐसे ही ओवरलोड गाड़ियों से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। इसी तरह से आज भी एक ओवरलोड बालू से लदी ट्रक घर में जा घुसी। घर में सो रहे परिवार, बाल बाल बचे, घर में रखे सामान और घर सहित खराब हो जाने से परिवार हुआ बेघर। वही मौके पर ग्रामीणों द्वारा जानकारी देने पर थाना अध्यक्ष 12 द्वारा मौके पर पहुंचकर ट्रक में फंसे ड्राइवर को ट्रक काटकर बाहर निकाला गया। वहीं पर पीड़िता के द्वारा बताया जा रहा है कि एक माह पहले मेरे पिता का निधन हुआ और मेरे परिवार में सिर्फ हम और मेरा एक छोटा भाई व छोटी 3 बहनें, छोटा भाई अपना परिवार चलाने के लिए ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं, फिर भी प्रशासन हमारी कोई भी मदद नहीं कर रहा है और ऐसे में यह दुर्घटना हमको और भी कमजोर बना दी है। देखिए प्रयागराज से रोहित सेठ की रिपोर्ट। बाकी रोक किनारे हो जाए रोड से। ये घटना कब की है, कब पलटी है गाड़ी? 3:45 रात में। रात में आपका आपका जो है क्या नुकसान हुआ है? ये हमारा मकान पूरा हिल गया है, पूरा फट गई है, पूरा डैमेज हो गया। हाँ, पूरा एकदम फट गया है। अच्छा, तो किसी से हमने शिकायत किया अभी तक? शिकायत पुलिस से किए हैं, अभी बोल रहे हैं कि चलो हम मकान करवा लेंगे। क्या नाम है आपका? मैं रामजी साहू। गांव? गांव कटवान का कालिका का पूर्वा। कालिका का पूर्वा।